busques roto. Se te olvidó mi mano al caminar. Se te olvidó mirar mi colorillo de tus ojos. Parece que no quieres recordar. Pero algún día vas a querer volver. देख हमें बहुत पैसे मिले हैं तो हम तुझे जाने नहीं देंगे। कौन? किसने पैसे दिए तुम्हें? बताओ मुझे, मुझे कौन छोड़कर जाना चाहता है? हाँ चलो, चलो। चाहे बच्चे कितने भी एहसान फरामोश क्यों ना हो, सारे बलिदान उनकी भलाई के लिए करने पड़ते हैं। चलो। चलो जल्दी। ये तो यहाँ क्या नहीं लग रहा? हे हे, यहाँ क्या काम है? कौन हो? अबे हो तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? हाँ निकल निकल यहाँ से। बाहर आओ। चल जल्दी से गाड़ी में बैठ के भागते। इसने अपने दोस्त को इशारा कर दिया। बाहर आओ। हे हेनरी, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारा प्ले खत्म हो गया? हाँ, और पता है मेन फीमेल कैरेक्टर ने लैटिन लड़के को चूज किया है। तो आज रात हम बाहर जा रहे हैं ना, प्लान के मुताबिक? हाँ सही कहा। और अब ये मत कहना कि तुम नहीं आ रहे हो। अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ। दरअसल मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। मेरा एक फ्रेंड आ रहा है उसे ठीक करने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात नहीं हो पा रही है, तो फिर कभी चलते हैं ना? ठीक है, फिर तुम्हारे घर चलते हैं। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो पाबलो। इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें कोई भी पसंद नहीं क्या? सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है लाइफ में। और ना ही गर्लफ्रेंड। ये लड़के हमारे इलाके से किसी को उठा के ले जा रहे हैं। बहुत बुरा किया। हम सब यहाँ पर दोस्त हैं और हम सब एक साथ हैं, समझे? अगर एक के साथ भिड़ते हो तो हम सब से भिड़ना होगा। देख पकड़ो उसे। कहाँ गया ये? चलो पीछे करते हैं, भाग ना पाए। अच्छा होगा कि ये खोलने में मेरी मदद करो। एस्मेराल्डा, एस्मेराल्डा, एस्मेराल्डा। कौन थे ये लोग? वो तुम्हें कहाँ लेके गए थे? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ आराम से, सब ठीक है। मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ, सब ठीक है। तुम एक नंबर के नालायक हो। मुझे लगा कि मैंने भरोसेमंद और जिम्मेदार लोग रखे हैं, लेकिन मैं गलत था। मेरी बात कान खोल के सुन लो बेवकूफ। अगर तुम पकड़े गए या फिर जेल गए, तो फिर हमेशा के लिए जेल में सड़ने के लिए तैयार रहना।
क्या बात है अगस्टीन? काम बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। उस मनहूस लड़की की किडनैपिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ओह माय गॉड! और उन्हें पता चल गया कि ये तुमने करवाया है? जाहिर है उनकी जगह लोग मेरी बातों पर यकीन करेंगे। तुम उनके साथ संपर्क में हो, ये बात खुल ना जाए उसका भी मुझे डर लग रहा है। वो वहाँ से भाग चुके हैं। उन लोगों ने चोरी की हुई कार इस्तेमाल की थी। मुझे नहीं लगता कोई पहचान पाएगा, लेकिन फिक्र की बात यह है कि हालात जैसे पहले थे वैसे ही अब भी रह जाएंगे। मुझे कुछ पूछना है अगस्टिन, तुमने उन्हें क्या करने के लिए कहा था? वैसे उन आदमियों को क्या करने को कहा था तुमने? कुछ बातों को ना ही जानना बेहतर होता है लोरेंजा, ये बात भी उन्हीं में से एक है। शुक्रिया दामियान, थैंक यू संतावो, शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स कराबातो। भले ही हमारी काफी समय से बंद नहीं रही है, पर तुमने आज मेरी मदद की। देखो, मैं जानता हूँ कि हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम एक ही इलाके में रहते हैं, और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हें यकीन है ना कि तुम अभी अकेली रह सकती हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ क्योंकि मुझे रास्ते पे बहुत सामान बेचना है। ओके देन, जल्दी मिलेंगे हम, बाय। थैंक यू। हे, गुड बाय। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे हम। ये बहुत अजीब बात है एस्मेराल्डा, जिस तरीके से वो आए थे ऐसा लग रहा था तुम्हें किडनैप करने आए हैं। नहीं, मुझे लगता है कोई गलती हुई है। मुझे कौन किडनैप करेगा? चलो बताओ, मेरे लिए कौन मोटी रकम देगा? मिसेस रीटा? नहीं नहीं दामियान, उन लोगों से गलती हो गई। तुम बहुत मासूम हो एस्मेराल्डा, तुम्हें शैतानों और इंसानों में फर्क नहीं पता। देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पता नहीं कैसा लगेगा। क्या, क्या बात है? मैंने कोशिश की तुम्हारी नई चिट्ठी पाब्लो को भेजने की, लेकिन मैं ईमेल नहीं खोल पाया। शायद तुम्हारा अकाउंट बंद हो गया है, पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है। पर कैसे? क्या कैसे? क्या मतलब है इसका? हाँ, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मैंने अपने ईमेल से भी पाब्लो को मेल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। क्या ये कोई वायरस हो सकता है? मैंने सुना है वायरस कंप्यूटर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो वायरस नहीं है एस्मेराल्डा, शायद पाब्लो ने अपना और तुम्हारा ईमेल बंद कर दिया ताकि तुम उससे बात करना बंद कर दो। ना, नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है दामियान, पाब्लो ऐसी चीज कभी भी नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो वो तुमसे कांटेक्ट करने का रास्ता निकालेगा। लेकिन सुनो, तुम्हारी भलाई के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं गलत रहूं, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुद को तैयार रखो एस्मेराल्डा। एक बात बताओ, कंप्यूटर में क्या गड़बड़ हुई है? या तो एस्मेराल्डा को मेरे मेल्स नहीं मिल रहे, या उसने मुझे ब्लॉक कर दी। उसकी आईडी कैंसिल हो गई और ऐसा लगता है कि वो मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहती। तो ये तो एक रीजन है कि हमें क्यों बाहर जाना चाहिए। चलो यार, मजे करते हैं, छोड़ो, भूल जाओ उसके बारे में। गुड आफ्टरनून सर।
मुझे बताया गया कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ सर, मैं हूँ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या काम है। मुझे ऐसे आने के लिए माफ कीजिए, पर मुझे आना पड़ा क्योंकि एक महीने से पाब्लो की कोई खबर नहीं। तुम्हारा मतलब है मेरा बेटा तुम्हें मेल नहीं करता? मुझे लगता है हमारा ईमेल गलती से कैंसिल हो गया है। क्या उसकी तबीयत ठीक है? प्लीज मुझे सच बताइए सर, मुझे लगता है उसे कुछ हो गया है क्योंकि उसने एक महीने से मुझे एक ईमेल भी नहीं लिखा। मुझे नहीं लगता वो बीमार है यंग लेडी। मेरी बीवी और मैं पाब्लो से रोज ही बात करते हैं और उसे वीडियो कॉल पर देखते भी हैं। मुझे लगता है वो काफी खुश और संतुष्ट है। खुश और संतुष्ट? उसकी माँ उससे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाती, इसलिए हमें उसकी तबीयत के बारे में अच्छी तरह से पता है। पाब्लो पूरी तरह से हेल्दी और खुश है। नहीं नहीं, ये सच नहीं। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच का प्यार बिल्कुल सच्चा था? सच्चा प्यार सर? हाँ, वो तुम दोनों के बीच एक बेवकूफी भरा रिश्ता था। तुम्हें लगता है लड़की कि पाब्लो अपने पहले अफेयर को लेकर सीरियस होगा, वो भी ऐसी लड़की के साथ जो उसकी बराबरी की नहीं है? मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझसे बहुत बार कहा है। ऐसी बातें तो हर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ। सर आप हमारी मदद कर सकते हैं एक दूसरे से मिलने में। मैं मिलवाने में मदद करूं? लेकिन कैसे? किसी भी तरह पाब्लो से मेरी बात करवा के। ओह, क्या बेवकूफी भरी बात है। तुम्हें लगता है मेरे पास कोई और काम नहीं है? देखिए, पाब्लो ने मुझसे बहुत बार कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। और तुमने मान लिया? जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे अपनी तरफ करने की कोशिश में उसे कुछ भी कह देता है। तुम्हें किसी भी आदमी की बात का भरोसा ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए, वो भी जो तुम्हारी बराबरी का ना हो। अगर वो तुम्हें मेल नहीं कर रहा है तो बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ। मुझे लगता है वो भी तुम्हें भूलकर किसी और के प्यार में पड़ गया होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे और मेरे बीच बात करने के लिए कुछ बचा रह गया है। देनी पड़ेगी उस लड़की की हिम्मत के, वो यहाँ तक आ गई। मैंने कहा था कि वो लड़की खतरा है। अब इतनी परेशान मत हो जाओ लॉरेंजा, ये मामला खत्म हो चुका है। मैं जानता हूँ वो लड़की अब यहाँ कभी वापस नहीं आने वाली। क्या कहा उसने? वो ये जानने आई थी कि पाब्लो ने उसे अब तक मेल क्यों नहीं किया। बिल्कुल पागल है वो लड़की, तुम्हें उसे धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए। मेरे शब्द काफी असरदार थे, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। हाँ, लेकिन हमारा बेचारा बेटा तकलीफ में है उस घटिया लड़की की। पाब्लो उसे जल्द ही भूल जाएगा। वो जो मेल करता है तुम्हें, उसे देख के मेरा दिल टूट जाता। ओ बेकार की प्यार वाली बातें भूल जाओ, कोई नहीं मरता इस प्यार के चक्कर में। अब हमें इस नाटक के दूसरे पार्ट की तैयारी करनी होगी। अब क्या करने वाले हो तुम? बस देखती जाओ, मैं ऐसे मेल लिखूंगा जैसे उस लड़की ने लिखे हूँ। याद है ना, जब से मैंने मेल के पासवर्ड बदले हैं तब से सिर्फ मैं ही उन्हें एक्सेस कर सकता हूँ। और तुमने उसकी अकाउंट भी हैक कर ली है, इसलिए उसे फिर से दूसरी अकाउंट बनानी है। जैसे हालात होंगे वैसे ही उपाय भी ढूंढने पड़ेंगे। पाब्लो को मेल मिलेगा जिसमें एस्मेराल्डा उससे इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कह रही होगी। और अगर उसे विश्वास नहीं है? वो विश्वास करेगा। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। वो लड़की यहाँ से बिल्कुल निराश होकर गई है। अब मैं पाब्लो को लिखूंगा कि मैं पता लगाऊंगा कि उसकी बिल्ली के साथ क्या हुआ, उसने ये रिश्ता क्यों तोड़ लिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बेचारे के ऊपर क्या बीतेगी। नहीं नहीं डैड, मैं नहीं मानता। मैं जानता हूँ एस्मेराल्डा मुझे प्यार करती है, वो करती है। मैं उसके पास गया था ताकि तुम दोनों की बात हो जाए, लेकिन जो मैंने देखा वो प्यार नहीं था पाब्लो। मुझे पूरा यकीन है वो प्यार नहीं था। डैड डैड, मुझे एक बात बताइए, कहीं वो बीमार तो नहीं थी ना? मुझे तुमको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है पाब्लो, लेकिन एस्मेराल्डा तो पहले से भी ज्यादा खुश लग रही थी। मैं स्लोप पर गया उसे ढूंढते हुए, लेकिन वो वहाँ अकेली नहीं बल्कि किसी बहुत ही घटिया लड़के के साथ थी। आप ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब क्या बोलूं? मुझे लगता है तुम सच देखना नहीं चाहते पाब्लो। देखिए डैड, देखिए आप सही कह रहे हैं कि उसने मुझे काफी समय से कुछ लिखा नहीं है, ना ही कुछ मेल भेजा है, लेकिन उसने जो वादे किए थे मुझसे, वो ये सब कैसे भूल सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे धोखा दे सकती है। देखो पाब्लो, आदमी वैसे भी औरत के लिए खिलौने की तरह ही होते हैं।
लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास तुम्हें मेल ना करने की बहुत सी वजह है, लेकिन इसकी वजह उसकी खराब हेल्थ नहीं है। डैड, डैड, आप कह रहे हैं कि आपने उसे किसी और लड़के के साथ देखा, क्या आप जानते हैं कि वो लड़का कौन हो सकता है? इतने परेशान मत हो, ज्यादातर औरतें ऐसी ही होती हैं, अकेलापन उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन क्या हुआ अगर एस्मेराल्डा का प्यार तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास तुम्हारे मॉम डैड भाई बहन का सच्चा प्यार तो है, ये सब तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, एस्मेराल्डा एस्मेराल्डा, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। एस्मेराल्डा, तुम मेरे साथ किए हुए सारे वादे आसानी से भूल गई, और वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम्हें डैड ने देखा? तुम्हें उसके बाहों में सोचकर ही मन करा कि मैं उसे मार डालूं, मार डालूं उसे। एस्मेराल्डा प्लीज उठ जाओ, कुछ तो कहो, तुम्हें क्या हुआ है? ए, अब क्या हुआ है इस मुझे बिल्ली कुछ को, समझ हा? नहीं आ रहा है, मैं आज जल्दी घर आ गया क्योंकि मेरा सामान खत्म हो गया था, और फिर मैंने देखा कि ये अकेली पागलों की तरह रो रही थी, और फिर वो सो गई, और अब उसे तेज बुखार है। पाब्लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पाब्लो, 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 पाब्लो। हाँ, एस्मेराल्डा, एस्मेराल्डा, तुम्हें लग रहा है कि ये मर जाएगी? ये दुख से मर जाएगी क्योंकि उस लड़के ने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। ऐसा लग रहा है ये कुछ कहना चाह रही है। पाब्लो, मुझे छोड़कर प्लीज मत जाओ। बिल्ली बिल्कुल बेहोश है। ये तो अभी पाब्लो को ही बुला रही है। ये मेरे घर में नहीं मर सकती, फिर मुझ पर सब इल्जाम लगाएगी। हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। आपके पास थर्मामीटर है? नहीं। सेंटावो, ये कपड़ा इसके सर पे रखे रहो। एस्मेराल्डा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? ये पूरी तरह थक चुकी है। पाब्लो, बिल्ली ने बहुत समय से कुछ भी ढंग से नहीं खाया। ये तो प्रेम रोग है। बिल्ली, मेरी प्यारी बिल्ली, आंखें खोलो, तुम ठीक हो? आंखें खोलो। बिल्ली, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही? तुमने ये क्या किया? हमारे साथ रहने के सपने तुम ये सब कैसे भूल सकती हो एस्मेराल्डा? मेरे लिए जो प्यार महसूस करती थी उसका क्या हुआ? ये सब हो क्या रहा है एस्मेराल्डा? वैसे ये मरेगी तो नहीं ना डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कितनी देर से इस हालत में है? मुझे नहीं मालूम, मैं जब घर आया तो एस्मेराल्डा ऐसी ही थी। डॉक्टर, डरने की बात तो नहीं है ना? फिक्र ना करें, ये बस डरी हुई है। मैं जो दवा लिख कर दे रहा हूँ उससे ये ठीक हो जाएगी। अच्छी बात है। जब इसका बुखार उतर जाए तो इसे मैटरनिटी हॉस्पिटल ले जाना, ठीक है? मैटरनिटी हॉस्पिटल, लेकिन क्यों डॉक्टर? खैर, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ इसके कुछ टेस्ट होंगे, लेकिन जितना मुझे देखकर लग रहा है शायद ये प्रेग्नेंट है। हाँ? तो बच्चा होने वाला है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये क्या किया बिल्ली तूने? रुक जाओ मिसेस रीटा, ये नामुमकिन है, गाटा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लक्षण देखकर ऐसी संभावना लग रही है, ये दवाइयाँ फौरन ले आइए। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। ओह, तुम्हें इस बेचारी बच्ची के लिए बुरा नहीं लग रहा? और हो सकता है कि उस डॉक्टर से ही कोई गलती हो गई। अच्छा होगा कि ये अभी ही मर जाए, नहीं तो इसने जो किया है उसके लिए तो मैं ही उसे मार डालूंगी। बस बहुत हुआ, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी, बिल्कुल नहीं। अगर ये प्रेग्नेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गुड इवनिंग, हेलो। सुनो डियर, जो इसमें लिखा है वो दे दो प्लीज। बेचारी बिल्ली, उसे इस समय इन सब की जरूरत नहीं थी, अब उसका क्या होगा? वो रईस ज्यादा एक धोखेबाज निकला, और ये बेचारी अकेले ही सारी तकलीफ सहती रही। मतलब एस्मेराल्डा माँ बनने वाली है? नहीं, इसे देखकर तो लगता है कि ये चॉकलेट पैदा करने वाली है। बेकार की बात मत करो इनेस, तुम्हें ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। मुझे हैरानी हो रही है कि इसने अच्छा दिल बनाया मुझे। ये सच नहीं है। बच्चे की किस्मत में कुछ और नहीं, यही लिखा है दामियान। सबसे बड़ी बात पता है वो लड़का कहाँ है? विदेश जा चुका है। वो वापस आएगा और एस्मेराल्डा से शादी करेगा।
इतने परेशान मत हो दामियान। घटिया इंसान निकला, उसने बेचारी को फंसाया। अगर उस सुअर ने एस्मेराल्डा से शादी नहीं की तो मैं उसे मार दूंगा। आप बाहर जा रही है क्या मिसेस रीटा? इसका बुखार तो उतर गया है लेकिन ये अभी तक जगी नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर थोड़े ना हूं। नहीं ना, मुझे और भी काम है। उस औरत को देखा? वो मुझे डराती है। लेकिन वो एस्मेराल्डा के घर से क्यों आई, बताओ मुझे। क्या करें हम, क्या करें हम, क्या करें, क्या करें? क्या हुआ फैला? ओ एस्मेराल्डा, क्या ये ठीक है? नहीं, एस्मेराल्डा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओह, क्या हुआ इसे? उस बुरी औरत ने कुछ किया इसके साथ? कौन, मिसेस रीटा? नहीं नहीं, इस बार मिसेस रीटा ने कुछ नहीं किया। ये पाब्लो की वजह से हुआ है, या फिर किस्मत खराब है। ओह बेचारी बच्ची, अच्छे से सो जाओ बेटा ताकि तुम्हें दुख का एहसास ना हो। कल रात इसे बहुत तेज बुखार था, अभी उतर चुका है लेकिन ये होश में नहीं आ रही है। ये मेरी तरह दिखती है, बिल्कुल मेरी तरह, जब मेरी बेटी को मुझसे चुराया था। नहीं, मेरी बेटी को मत ले जाओ, मेरी बेटी को मत ले जाओ, मुझे वापस करो उसे, मेरी बेटी को मत ले जाओ, उसे दूर मत ले जाओ, मुझसे दूर मत ले जाओ उसे, मेरी बेटी, मेरी बेटी। उसे मुझसे चुरा लिया गया। मैं से ही सो रही थी, जैसे जैसे ये अभी सो रही है, और जब मैं उठी तो वो मेरे साथ नहीं थी। तो पहला मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया और उस दिन से मैं इसे अपने साथ ही रखती हूँ। ये कितनी सुंदर है ना? मेरी बात सुनो, तुम अभी घर जाओ और जब एस्मेराल्डा को ठीक लगने लगेगा तो मैं उसे तुमसे मिलने कह दूंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी तुम्हारा मेरे घर पर इंतजार करेंगे।
देखा कितनी वफादार हूँ मैं सर, बिल्कुल कुत्ते की तरह। क्या चाहिए तुम्हें? ओ देखिए सर, जब उसे आपके बेटे के मेल्स नहीं मिल रहे थे तो उसने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, पर मुझे वो सब मिल गए क्योंकि पोस्टमैन मेरा दोस्त जो है। और कहाँ है वो चिट्ठी? जब भी आपको दिए है। इसका मतलब है कि मेरी मदद के बिना आपका प्लान काम नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए वो बर्बाद नहीं हुए, उनका पूरा इस्तेमाल हुआ। पर पता है मेरी बेटी दुख से मर रही है। कल रात मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ा, रात भर बिना सोए उसकी देखभाल करनी पड़ी। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए। वो ठीक हो जाएगी मिसेज रीटा, जवान खून की खास बात होती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ ये बात नहीं है। लगातार आपके बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसे किसी ने नहीं बताया कि अपने दायरे में ही रहना चाहिए? नहीं, ये आपके बेटे की गलती है क्योंकि वो उसके पीछे आया था और उसने ही ये सब शुरू किया। जो भी है सब खत्म हो जाएगा, वो बच्ची बहुत ही प्यारी है, कोई न कोई उसे जल्द ही मिल जाएगा। नहीं, ये बहुत मुश्किल है सर। जब एक औरत गाटा की तरह प्यार में पड़ती है तो वो दुख से मर सकती है सर। और पता है कल रात मैंने दवाइयों पर कितना खर्चा किया है उसके लिए? तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हें और पैसे चाहिए? खैर, हर चीज की कीमत होती है, और जब वो बच्ची प्रेग्नेंट बीमार हो कमजोरी की वजह से वो काम पे नहीं जा सकती बेचारी, और वो मुझे अपनी माँ ही मानती है, और मैंने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन मैं भी क्या करती, आपका बेटा तो उसे छोड़ने ही वाला था ना एक दिन। देखो उदास मत हो, वैसे भी तुम उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। मेरा बेटा किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करता। उसने उस लड़के से प्यार करने से पहले तुम्हारी इजाजत नहीं ली ना, ये लो। तो अच्छा होगा कि तुम भी बीच में ना पड़ो। बिल्ली ऐसे माहौल में पली बड़ी है जहाँ कोई बात छुपी नहीं होती। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो क्या कर रही है। एस्मेराल्डा बहुत मासूम है, उस आदमी ने इसका फायदा उठाया। नहीं, ये बहुत सैड है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, वो खुद ही गुनहगार है, कोई और नहीं। और उस लड़के के पास भी जाने का कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ। मैं उसके पिता से कहूंगा कि अपने बेटे की गलती सुधारे। उस मनहूस को एस्मेराल्डा से शादी करनी होगी, उसे मैं घसीट के लाऊंगा। उसे एस्मेराल्डा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी निभानी होगी। जरा रुकिए, तो मुझे अपनी बच्ची की हालत देखकर बहुत दुख होता है, क्या करूं? मुझे अब निकलना होगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं जो तुम उसे दे देना, लेकिन ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। सच कहूं तो आप मुझे समझ में ही नहीं आते। तुम ये सोचने की गलती मत करना कि मैं ये पैसे अपने बेटे को उस लड़की से दूर करने के लिए दे रहा हूं। तुम्हारा मेरे पास बार बार आना और पैसे मांगना मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी गरीबी की हालत जानता हूं। लेकिन अब यहां मत आना, मैं चेतावनी दे रहा हूं। अगर ऐसा किया तो मैं सच बता रहा हूं, मुझे ब्लैकमेल करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूं। क्या मेरी? लेकिन हमने तो डील की थी ना। बहुत हुआ, मैं बता रहा हूं, अब तुम्हें मुझसे एक रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। असल में ये सारी गलती तुम्हारी बेटी की है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ से हजारों मील दूर है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, और चाहती हूँ कि मेरी बेटी उसे जल्दी ही भूल जाए। और आपने ही कहा कि वो प्यारी है, कोई भी मिल जाएगा। मुझे सुनकर खुशी हुई। मैं नहीं चाहता उसे नुकसान हो, अपनी खूबसूरती से वो अपना भविष्य बना सकती है, अगर तुम खुद उसकी मदद करती रहो तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया अपना दिल बड़ा रखने के लिए। ये शादी तो कभी भी नहीं हो सकती, मेरे मुंह से तो निकल ही जाता कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलता बच्चे के बारे में बताकर। हो सकता कि ये सुनकर वो पिघल जाता और शायद बच्चे को अपना लेता। नहीं नहीं, मैं बच्चे के बारे में कभी नहीं बताने वाली, कभी नहीं। तुम्हें लगता है उसके पिता तुम्हारी बात सुनेंगे? हाँ, वो तुमसे कहेंगे कि बीच में मत पड़ो क्योंकि तुम इसका हिस्सा हो ही नहीं। मैं अपने अधिकार बता दूंगा। ओह दामियान, तुम बहुत भोले हो मेरे बेटे। तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा बीच में घुसना उसके लिए और मुसीबत खड़ी करेगा। मैं एक आदमी हूँ माँ, और एक आदमी दूसरे आदमी से बिल्कुल उसके अधिकारों के बारे में बात कर सकता है। वो लोग तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो ये मुक्का किस काम आएगा? वो तो बस शारीरिक रूप से मजबूत है। तुम्हें यूनिवर्सिटी में यही सिखाया गया है क्या? मैंने जिंदगी से सीखा है माँ। पाब्लो यहाँ नहीं है तो मुझे उसके पिता से बात करनी होगी। आप परेशान मत होना, मुझसे जो बन पड़ेगा वो सब करूँगा।
जरूरत पड़ी तो गुजारिश भी करूंगा, भले ही मुझे बेचारी बिल्ली के लिए झुकना क्यों न पड़े। अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो बच्चे को अपना ले या नहीं। ओ बेटा, मुझे बस डर है कि तुम लड़ न लो, कभी कभी तुम जिद्दी हो जाते हो। सब ठीक हो जाएगा माँ, एस्मेराल्डा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उससे कहूंगा कि इस बुरे हालात में हम पले बड़े हैं, वो एक अच्छी लड़की है, वो साफ दिल की है और मेहनती है। देखो माँ, अगर मैं अभी इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा तो मैं जब वकालत करूंगा तब कैसे लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे लोगों के लिए अन्याय और कारण के कभी कोई मायने नहीं होते बेटा, उनके लिए ये काफी नहीं होगा। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन मुझे ये करना है। एस्मेराल्डा का मेरे सिवाय और कोई नहीं है और मैं उसके लिए लड़ूंगा। ओह डामियान। नहीं माँ, देखो। नहीं माँ, मुझे मना मत करना क्योंकि ये बात मैं आपकी नहीं मानने वाला। बेटा देखो, तुम्हारी बातें कारण सब सही हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना सही नहीं होगा बेटा। मुझे ये करना होगा माँ, मैं आदमी कहलाने के लायक नहीं रहूंगा अगर मैंने एस्मेराल्डा की मदद नहीं की। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा दामियान, बहुत सावधान। मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। ये अच्छी बात है कि तुम अब जाग गई हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, रात भर तुम्हें तेज बुखार था। मुझे बहुत दुख हो रहा है संतावो। मैं आ गई हूँ, तू अपने काम पर जा सकता है। चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ एस्मेराल्डा। कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? कैसा लग रहा है तुझे? मैं ठीक हूँ, बस खड़ी हो जाऊँ। नहीं 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 नहीं, अभी खड़ी मत हो तू। मैं ठीक हूँ मिसेस रीटा, अब मुझे बुखार भी नहीं है। मैं थोड़ा मुर्गे का सूप बनाती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, भूख नहीं है। लेकिन तुझे खाना पड़ेगा, समझी? मुझे नहीं खाना मिसेस रीटा, मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैंने दो दिन खाना नहीं खाया तो, पहले भी बहुत बार भूखी रह चुकी हूँ। ए अब तो पहले जैसी मजबूत नहीं है, कल रात तो तू बेहोश हो गई थी। अच्छा है कि तू अब ठीक हो गई है, ऐसे हुआ क्या था तुझे? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ मुझे। ज्यादा भोली मत बन, मुझे पता है कि तू जानती मिसेस रीटा, मेरी गलती नहीं है कि मैं बीमार हो गई। ओ, मतलब मेरी गलती है? प्लीज मिसेस रीटा, क्या हो गया है तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें? अजीब बर्ताव कर रही हो। मेरे सामने नाटक मत कर, मुझे बेवकूफ मत समझ। कहना क्या चाहती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ तुझे अब समझ आ रहा है, खुद को माफ कर पाएगी अब? ये मत कह कि तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है मिसेस रीटा, इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? एस्मेराल्डा तूने हम सबको धोखा दिया है, तू बड़ी चालाक निकली, बड़ी सीधी सादी बनती थी ना, तुझे पता है ना कि भगवान सजा देते हैं और ये तेरी सजा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ दामियान अंदर आओ। ओ, ओ नहीं, क्या हुआ एस्मेराल्डा, तुम ठीक हो? फिर से चक्कर आ रहा है? मैं ठीक हूँ। अब क्या किया तुमने इसके साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, तुझे भी लगता है कि मैं इसे परेशान कर रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ कि तू इसे कुछ खिलाता है कि नहीं, कुछ खाना ही नहीं चाहती ये, पता नहीं क्यों ये भूखे मरना चाहती है। क्या चल रहा है दामियान? मिसेस रीटा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, कुछ जानते हो क्या हुआ? मुझे उसके बारे में सोचना बंद करना होगा, मुझे मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए पढ़ना होगा, मेरे लिए अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मायने रखती है और कुछ नहीं। हो सकता है पाब्लो ने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं दामियान, मुझे यकीन है पाब्लो मुझसे बहुत प्यार करता है, पूरा यकीन है। वो मुझसे दूर भी इसीलिए गया है ताकि वो पैसे कमाए और हम साथ में रहें। ऐसा लग रहा है कि वो अपना वादा नहीं निभा पाएगा, और उसी ने तुम्हारा और अपना ईमेल आईडी बंद कर दिया है। और उनका क्या जो तुम्हें अगवा करने आए थे? नहीं वो एक गलती थी, पाब्लो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो तुम्हें कुछ लिख क्यों नहीं रहा है, वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा? कोई तो बात जरूर है दामियान, मैं जानती हूँ। सुनो, मैंने उसके डैड से पता करने की कोशिश की लेकिन। क्या कहा उसके डैड ने? बहुत बुरी बातें कही, ऐसी बातें जो पाब्लो कभी सोच भी नहीं सकता है। एस्मेराल्डा, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, दोनों बाप बेटे मिलकर तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, मेरा यकीन करो। नहीं नहीं दामियान, पाब्लो ऐसा नहीं है। वो मर्द नहीं है, मैं चाह रहा हूँ उसके बाप से। नहीं दामियान प्लीज मत जाओ। एस्मेराल्डा मुझे बात करनी होगी। उस घर के पास भी मत जाना, वो बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, वो लोग अच्छे नहीं है।
वो मेरे पाबलों से बहुत अलग हैं। उन लोगों के पास दिल नहीं है। नहीं नहीं मारियाना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एस्मेराल्डा मुझे धोखा देगी। मुझे पता है वो अपने वादे कभी नहीं भूलेगी और उसके वादे सच्चे थे। देखो पाब्लो, अच्छा होगा कि तुम उस लड़की के बारे में भूल जाओ। देखो ये आसान नहीं है, मुझे पता है। नहीं 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 मारियानो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। देखो मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। ओके मारियानो, मारियानो देखो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जाओ और उसे ढूंढो, मैं बताता हूँ उसका घर कहाँ है। पता लगाओ क्या हुआ और कहना मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और मुझे सारे वादे याद है, मैं उसे प्यार करता हूँ। ठीक है मैं उसे स्लोप पे ढूंढने चला जाऊंगा और अगर मुझे वहाँ पर नहीं मिली तो मैं उसके घर चला जाऊंगा। और मेरी बात सुन, अगर एस्मेराल्डा तुमसे प्यार करती है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये मेरा वादा है। पाब्लो को कुछ हुआ है, मुझे यकीन है दामियान। नहीं एस्मेराल्डा, उससे कुछ नहीं हुआ है। देखो उसके परिवार वाले निश्चिंत हैं। हाँ पर लेकिन क्या, अगर वो तुम्हें कुछ नहीं भेज रहा मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता। अब बचपन वाली बात नहीं रही एस्मेराल्डा, अब वो समाज के बारे में सोचता होगा, लोग क्या कहेंगे सोचता होगा। तुम अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। दामियान प्लीज मेरे दिल पे आरी चलाना बंद करो। तकलीफ मुझे भी हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि या तो उसे यहाँ बुलाओ या फिर खुद जाकर पूछूं उससे कि वो करना क्या चाहता है। कसम से अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं उसे तुम्हारे सामने घुटनों पे बैठाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एस्मेराल्डा, मैं तुम्हें तुम्हारी इस दुख की घड़ी में साथ दे सकता हूँ और कुछ नहीं। इसके अलावा मेरे पास और चारा ही क्या है। मैं पाब्लो को नहीं भुला सकती दामियान, जानते हो हमारा प्यार दुनिया से भी बड़ा है। मैं पाब्लो के बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जीना होगा एस्मेराल्डा, खासकर इस वक्त, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही, अब तो मैं इस कमरे के एक कोने में भी मर सकती हूँ। तुम तो तेज बिल्ली हो, तुम किस्मत की चोट से हार नहीं सकती, तुम्हें लड़ना होगा। क्या तुम्हें तुम्हारी लड़ाई याद है गराबातों के साथ? तुम निडर थी, तुम किसी से नहीं डरती थी, याद है? कोई तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता था। नहीं, मेरा दिल बहुत दुखी है और मेरे में हिम्मत नहीं रही। एस्मेराल्डा तुम्हें मजबूत रहना है, उन लोगों को सबक सिखाना होगा, ठीक है? सुनो, जो खुद की मदद नहीं करते उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखो तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पता है दामियान, किसी और चीज से मुझे चोट नहीं पहुंचती। लेकिन तुम अकेली नहीं हो एस्मेराल्डा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या बात है कार्लोस, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं दरअसल मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कल रात भर सो नहीं पाया हूँ। एक लड़की की बहुत तबीयत खराब थी और मैं उसके लिए जगा रहा। क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? एस्मेराल्डा। एस्मेराल्डा? एस्मेराल्डा तो मेरे भाई पाब्लो की गर्लफ्रेंड का नाम है। ये तुम क्या बोल रही हो, एस्मेराल्डा के बॉयफ्रेंड का नाम भी पाब्लो है और वो बहुत दुखी है क्योंकि वो कहीं चला गया है। क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वही मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। हाँ ये हो सकता है। और तुम्हें एक बात कहूँ, पाब्लो भी सैड है क्योंकि वो एस्मेराल्डा से बात नहीं कर पा रहा। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है वर्जीनिया, कि बहुत लोगों ने प्लान करके एस्मेराल्डा और पाब्लो को अलग किया है। मुझे लगता है कि हम दोनों को उन्हें मिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? वाओ ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें कुछ करना चाहिए ताकि वो दोनों साथ में आ जाए। हाँ प्लीज उसे अंदर भेजो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपसे मिस सांता क्रूज के बदले बात करने आया हूँ। सांता क्रूज कौन है ये, मैं नहीं जानता। वो एक बेचारी गरीब लड़की है जिससे आपके बेटे ने बहला फुसला के शादी का वादा किया और फिर छोड़कर चला गया। और तुम कौन हो, किस हक से यहाँ आए हो और मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो? तुम उस औरत के रिश्तेदार हो या फिर कुछ और? क्या तुम उस बिल्ली के आशिक हो? एस्मेराल्डा ऐसी नहीं कि उसके आशिक हो। तो फिर तुम किस नाते से यहाँ मुझसे मिलने आए हो ये बताओ। एस्मेराल्डा के दोस्त होने के नाते मेरी बात सुनो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, बात करना चाहता हूँ।
मेरी दोस्त मर जाएगी क्योंकि उसका प्यार छीन लिया गया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बालिग बच्चे कुछ भी करें उसके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स नहीं होते। और यहाँ आकर मुझसे बात करने के बजाय तुम्हें उस लड़की को समझाना चाहिए कि अपनी बराबरी वालों से ही संबंध बनाए, ऊपर वालों से नहीं। आपका बेटा उसकी दुनिया में घुसा, ये उसकी गलती अगर है। ऐसा है भी तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं और उनकी जो मर्जी आए वैसा करने के लिए वो आजाद है। आज अगर आपका बेटा यहाँ होता तो मैं उससे बात करता। उसने उसे छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज आप उससे कहिए कि वो यहाँ आए और अपनी जिम्मेदारी निभाए। क्या मतलब है कि यहाँ आकर अपनी जिम्मेदारी निभाए? उससे उस लड़की से शादी करनी होगी। आपके बेटे को एस्मेराल्डा से शादी करनी ही होगी। तो फिर ठीक है, तुम एस्मेराल्डा से बात करो और मैं पाब्लो से बात करूंगी। जब वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। प्यार कितना खूबसूरत होता है ना? क्या तुम किसी को प्यार करते हो? हाँ, अगर सपने में आने वाली लड़की सामने आ जाए और दिल की धड़कनें तेज हो जाए, या फिर आपको लगे कि दोबारा आप उसे देख पाएंगे या नहीं और सारा दिन आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अगर यही प्यार है तो हाँ वर्जीनिया, मैं प्यार में हूँ। मुझे किसी से प्यार हो गया। जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो, अगर उसे ये बात पता चली तो वो बहुत खुश होगी। हाँ, मुझे भी लगा था कि वो बहुत खुश होगी, लेकिन वो नहीं है। क्या वो दुखी है? हाँ वो दुखी है, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो। कार्लोस, आई लव यू वर्जीनिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं वैसा ही चाहती थी। मिसेस लोरेंजा, हाँ? मुझे यकीन है कि ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि मिस वर्जीनिया क्या कर रही हैं। एस्मेराल्डा, एस्मेराल्डा, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास कुछ ऐसी खबर है जिसको सुन के तुम बहुत खुश हो जाओगी। ऐसा क्या है? वो तुमसे अब भी प्यार करता है। सबको लगा था कि नहीं करता है, पर पाब्लो तुमसे ही प्यार करता है। लड़की से शादी कर ले। मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे बेटे की जिम्मेदारी है? ये उसी की जिम्मेदारी है। एक औरत की इज्जत बचा के रखना उसके लिए सबसे मुश्किल काम है। मैं जानता हूँ कि एस्मेराल्डा सिर्फ आपके बेटे से प्यार करती है। जरा संभाल के कहो, कुछ भी कहने से पहले जरा सोचो। एक वकील होने के नाते मैं सब कुछ सुन लूंगा, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारे सारे झूठ नहीं सुन सकता। मैं जो भी कह रहा हूँ सब सच है। अगर मान भी लूं कि तुम्हारी बातें सच हैं, तो तुम्हें मेरे बेटे से बात करनी होगी। आपका बेटा भाग गया है, इसीलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मुझे लगता है ये आप ही का काम है। आप ही ने उसे यहाँ से भगाया ताकि वो एस्मेराल्डा से दूर हो जाए। मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखिए सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आपने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। आपने एस्मेराल्डा को अपने बेटे पाब्लो के लायक नहीं समझा। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर अब वो बेचारी अकेली सब भुगत रही है और वो इस वक्त बहुत परेशान है। तुम औरतों को जानते हो, वो बड़ी आसानी से ये सब भूल जाती है, खासकर जब वो तुम्हारी उस दोस्त की उम्र की हो। नहीं, एस्मेराल्डा पाब्लो को कभी नहीं भूल सकती, वो उसे बहुत प्यार करती है। ऐसा मत कहो नौजवान, तुम अभी यंग हो और तुम्हें अनुभव नहीं है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वो उसे कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि अब वो दोनों ऐसे बंधन में जुड़ चुके हैं जिसे आप तो क्या कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बहुत आसान है समझना, एस्मेराल्डा माँ बनने वाली है, उसके पेट में पाब्लो का बच्चा है।